नारायण है, अपशूद्राधिकरण पर जाग चल रहा था। तो दूसरा सूत्र दिया, क्षत्रियत्व गदेश उत्तरत्र चैत्र रथेन लिंगा। ये सूत्र हेतु है कि संवर्ग विद्या में जो शूद्र शब्द आया, राइकों ने ज्ञान श्रुति को संबोधन करते हुए जो शूद्र शब्द का प्रयोग किया, उसका क्या अर्थ होना चाहिए, इसके लिए एक हेतु दिया। यद्यपि राइकों ने शूद्र शब्द से संबोधन किया है, तो भी उसका अर्थ रूढ़ी में प्रसिद्ध शूद्र शब्द नहीं है, विशेष अर्थ में प्रयोग किया। संबोधन अभिप्राय को लेकर के होता है, ये लोग व्यवहार में प्रसिद्ध है। हमेशा एक व्यक्ति एक प्रकार से संबोधन करेंगे ऐसा नहीं होता, जैसा भाव है उस हिसाब से। तो यहां सुजा अभिदुद्रवे, सुजा वा रैकुम अभिदुद्रावा, सुजम अभिदुद्रावा इत्यादि निरूपित अर्थ को लेकर, यानी व्याकरण के दृष्टि से प्रकृति प्रत्यय आदि लगाकर विशेष अर्थ निकाला गया। ऐसा अर्थ निकालने के लिए क्या हेतु है? तो पहले हेतु तो भाष्यकार ने स्वयं बता दिए, यहां अन्य च असंभवात ये कहा, रूढ़ यहां नहीं ले सकते हैं क्योंकि रूढ़ असंभवात नहीं हो सकता है। तो फिर क्या हो सकता है? तो ये अर्थ आप कैसे लिया, इसके लिए और हेतु क्या है, इस पर विचार करते हुए ये सूत्र लिया। यहां ये जो अभिप्रदारी का प्रकरण है, चैत्र रथ का संबंध है, काव्य का संबंध है, इन सभी से ये जो ज्ञान श्रुति पौत्रायण है, जिस प्रसंग में ज्ञान श्रुति पौत्रायण का नाम आया है, उसी प्रसंग में आगे जाकर के शौनकम च कावेयम अभिप्रदारिणम काक्षसेनी परिविश्यमाणो ब्रह्मचारी विभिक्षे, ये वाक्य आया। तो एक सामान्य नियम शास्त्र का है कि समान जो वर्ग के होते हैं, समान स्तर के होते हैं, उनका समान नाम रूप का ग्रहण होता है, और समान अन्वय याचका भवन्ति, ये भी कहा। याजन करने वाले जो पुरोहित होते हैं वो समान अन्वय के होते हैं। तो यहां जो कावेयाः अयाजन इस शब्द से, कावे योग से चित्ररथत्व का सिद्ध होने से, और उस कावे के साथ शौनक जो अभिप्रतारी राजा है उनका संबंध होने से, उस प्रकरण में आया हुआ ज्ञान श्री पौत्रायण भी क्षत्रिय होना चाहिए। तो ये भाष्य में कहा था, इसकी टीका चल रही थी, यही कहा कि चित्ररथस्य कापेयोगोपि कथम अभिप्रदारिणः चैत्ररथित्वम्। चित्ररथ का कापेय का योग हो सकता है क्योंकि आपने ये श्रुति वाक्य दिखाया, केदेन वै चित्ररथम कापेया अयाजन, ये जो वाक्य है, इस वाक्य से कापेय योग अभिप्रदारी का सिद्ध हो जाता है। चित्ररथत्व का भी संबंध, चित्ररथ कहने से चित्ररथ प्रसिद्ध राजा, तो चैत्ररथित्व संबंध भी हो गया। इतने से इसका इसके साथ क्या संबंध होगा? तो बोलते हैं ये समान अन्वयानां च प्रायेण समान अन्वयाः याचकाः भवन्ति, ये प्रसिद्ध है। जहां पूर्वकालीन
हमारी जो परंपरा है उसको देखते हैं तो एक एक कुल के लिए, एक महाकुल के लिए एक पुरोहित हुआ करते थे। पुरोहित एक कुल का एक पुरोहित के साथ संबंध होता था, सभी का होगा, तत्त्व पुरोहितों का अलग अलग कुलों के साथ, राजाओं के साथ संबंध होता। ऐसे संबंध को समान अन्वय नाम से कहा जाता। जिस कुल में आप जन्मे हैं उस कुल के जो विशेष पुरोहित होंगे तो उनसे ही कर्म कराना होता है, अथवा उस पुरोहित के कुल में आए हुए पार्वती कोई भी आदमी को होगा उनसे कराना होता है। इसी को समान अन्वय कहते। ये समान अन्वय एक बहुत बड़ा हेतु था पहले, इसको समझते थे। आजकल तो यत्र तत्र चल रहा है, कुछ लोग तो मानते हैं, जानते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते इसका क्या महत्व है। तो यही बात को यहाँ हेतु के रूप में दर्शाया जा रहा है। चित्ररथस्य याजकेन कापेयेन योगा याज्यो अभिप्रतारी चैत्ररथी सिद्धा। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि चित्ररथ का याजक जो कापेय के साथ संबंध होने से याज्यो अभिप्रतारी, यहाँ याजक कापेय कापेय है, कवि गोत्र में उत्पन्न जो भी पुरोहित होंगे वो कापेय कहे जाते हैं। और याज्य जिसको याग कराया जाता है वो है अभिप्रतारी चैत्ररथी, ये राजा है। तत्त पुरोहित वंश्यानामेव तत्त राजवंशेषु प्रायो याजकत्वा। प्राय ऐसा देखा जाता है कि तत्त पुरोहित वंशियों का ही तत्त राजवंशियों के साथ याजकत्व सिद्ध होता है। ये सब व्यवस्था क्यों बनाई है? क्योंकि समाज में एक शांति समाधान बनाए रखने के लिए, और आपस में विद्वेष ना हो, राग ना हो, ऐसा करने के लिए ये सब बनाए के रखे थे। अब वो सब व्यवस्थित रूप से स्वयं ही चलता था, तो किसी को ऐसा उसमें कोई दंड करने की, कोई आपत्ति करने की भी आवश्यकता नहीं थी। जो कुल के उत्पन्न हुए हैं वो अपने पुरोहित को स्वयं जानते हैं, तो उन्हीं पुरोहित कुलों से ला करके करते थे, तो पुरोहितों का भी अपना काम होता था, राजाओं का भी अपना काम होता था। अब वो सब बंद होने से बहुत सारे विषमताएं आई हैं, और आपस में अनावश्यक राग द्वेष, उच्च नीच भाव, भेदभाव आदि सिद्ध हो गया, जो व्यवस्था को बिगाड़ने के कारण। तो कम से कम जानकारी होने पर हमें समझ में आता है कि ऐसा क्यों करना चाहिए, और जहां तक हो गया हम पालन करें तो ये अच्छी बात होती है। एक एक कुल का, जैसे अभी एक पुरोहित वंश है, तो उस पुरोहित वंश की रक्षा वो तद्दृष्ट राजवंश के द्वारा होता। अब राजवंश का भी दायित्व तो होता था कि ये इनके वहां जो कुछ होता है उसका देखभाल संभाल करना, और पुरोहित वंश भी ये जानते थे कि जो भी हमें कर्म करना है इनसे जुड़ करके करना। इस प्रकार आपस में एक तालमेल था, बहुत अच्छी बात थी। इसी को हेतु बनाया है हम। ये इसके संबंध में कई जगह वेद में भी वाक्य मिलता है, और मीमांसा में विशेष करके विशेष गोत्र पुरोहितों का विशेष कर्म का संबंध दिखाया। ये भी प्रमाण चैत्र रथित्वाच क्षत्रिय अभिप्रतारी चित्ररथस्य क्षत्रियत्वा तद्वंशस्य तद्योगा। अब ये चैत्र रथ का क्या इतना नाम लेके चित्ररथ को क्यों इतना विशेष बताया? बोलते ये चित्ररथ नाम के राजा बहुत प्रसिद्ध है, पुराणों में शास्त्रों में प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं चित्ररथ एक राजा था। तो उनकी बहुत बड़ी तपस्या आदि हुई है, और वो विशेष करके उनको एक नाम दिया गया इत्यादि है कथा। चैत्र रथित्व क्षत्रियो अभिप्रदाय, तो क्षत्रियत्व अभिप्रदारी का सिद्ध होता, और उससे चित्ररथस्य क्षत्रियत्व। अब चित्ररथ क्षत्रिय सिद्ध हो गया, और उससे अभिप्रदारी का भी क्षत्रियत्व सिद्ध होने से उन वंशों के साथ उसका योग करके वो क्षत्रियत्व सिद्ध हो जाता है, और उस प्रकरण में आने के कारण ज्ञान श्रुति का भी क्षत्रियत्व मानना चाहिए। वजनादपि तस्य क्षत्रियत्व विद्या,
तो वजन से भी उसका क्षत्रिय तो सिद्ध होगा, मतलब साक्षात वजन भी मिला। तस्मात् चैत्र रथिर नाम एक क्षत्रपति रजायत, ऐसा वजन मिला वेद का या कल्प सूत्रों का वजन है। तस्मात् चैत्र रथिर नाम एक क्षत्रपति रजायत, चैत्र रथि नाम के एक क्षत्रपति हुए हैं, ऐसे करके वाक्य मिला। चित्ररथात इत्यर्था, तस्मात् का अर्थ है तस्मात् चैत्र रथि में जो तस्मात् का अर्थ है चित्ररथ होने के कारण। तथापि क्षत्रियत्व किम जातम ज्ञान सुजे आशंका, ठीक है आप तो कुछ और बात कर रहे हैं, हमको क्या जानना था कि ये जो हमारे पास ज्ञान सुधि बहुतरायण है उनको शूद्र करके संबोधन किया वो शूद्र है या नहीं है ये जानना था। आप तो चित्ररथ की बात और दूसरी बात कर रहे हो, कोई और की बात कर रहे हैं, इसलिए कई लोग ऐसे बोलते हैं। और क्या है सामान्य कोई व्यक्ति जिस पर भी लोग आक्षेप करते हैं इस प्रसंग को लेकर के, भाष्यकार ने जैसा अर्थ निकाला है ये कोई सामान्य रूप से नहीं, विशेष करके उन्होंने घुमा फिरा करके अर्थ निकाला, वो हमें ऐसा लगेगा क्योंकि इसमें जितने वाक्य बोले हैं जो हेतु दिए हैं वो आजकल के लोगों के समझ के बाहर है। अभी ये सान्वयत्व समान अन्वयत्व वंश के साथ संबंध है ये सब पहले पक्के नियम थे, तो इसका कोई इधर उधर करने का कोई सवाल ही नहीं होता था, लोग मर्यादा के अंतर्गत थे। अब हमारे पास वो है ही नहीं, लोग मर्यादा का ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं होने से आपको ये सब अटपटा लगेगा कि क्यों इधर उधर ले जा रहे, समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं होता था, गोत्र के साथ संबंध, वंशों के साथ संबंध, कुल के साथ संबंध, कुल देवताओं के साथ संबंध, आजकल कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। विवाह आदि में जो गोत्र का नियम बताया आजकल कोई देख रहे हैं, अब उस बात को लेकर के कोई हेतु देंगे तो ये लोग हंसेंगे ये क्या बोलता है, वो तो ना गोत्र का पता है ना किसी का पता है, वो तो जिनको देखा उनको मानते हैं उनके पीछे वाले को नहीं मानते। ठीक है दादा परदादा तक आपने देखे होंगे, उसके पीछे का क्या है, वो नहीं है बस, हमको जानता नहीं वो क्या करते थे कैसे नहीं करते थे, कोई संबंध नहीं। ये ऐसे स्थिति में ये सब हेतु समझ में नहीं आएगी क्योंकि हमारे संस्कार के साथ परंपराओं के साथ संबंध होगा तब समझ में आएगा, उसके ठीक से समझेगी। इसलिए क्षत्रियत्व सिद्ध हो गया चित्ररथ का, तो कि ज्ञान श्रुति का क्या इसके साथ संबंध है, इसकी आशंका होने पर तेन इत्यादि से कहा तेन क्षत्रियेण अभिप्रतारिणा सह समानायाम विद्यायाम। ये यहाँ का हमारा प्रसंग है छांदोग्य परिषद के चतुर्थाध्याय के तृतीय खंड पर विचार कर रहे और वहाँ तृतीय खंड में आगे जो मंत्र आता है पांचवा मंत्र इसका उदाहरण हमने दिया। उस मंत्र में ये जो अभिप्रतारी नाम का राजा को लिया गया, इस मंत्र में मैंने ज्ञान श्रुति का जो संबंध है ज्ञान श्रुति की कथा है उसको समाप्त करते हैं और उसके बाद में ये और एक अर्थवाद एक उदाहरण के रूप में शुरू करते हैं। इसीलिए कहा तेन क्षत्रियेण अभिप्रतारिणा सह समानायाम विद्याया, ये समान विद्या यानी एक ही प्रसंग में एक ही खंड में कही हुई विद्या है समानायाम विद्या है। संकीर्तनम ज्ञान श्रुतेन भी क्षत्रियत्व सूचयति, ऐसा संकीर्तन कथन करना ज्ञान श्रुति का भी क्षत्रियत्व सूचित करता है। समानानामेव ही प्रायेण समभिव्याहाराः भवन्ति, और ये प्रायेण ये भी समभिव्याहार तो खुल गया, क्यों पहले जो कहा वही है समान अन्वयानाम च प्रायेण समान अन्वयाः यातक, वो अन्वय शब्द वहां प्रयोग किया और यहाँ समभिव्याहार शब्द प्रयोग, ये दोनों समान रूप से चलता है। ये सब पहले के ऐसी परंपरा, अन्वय का मतलब कुल के साथ संबंध होता है वंश के साथ संबंध, और यहाँ क्या है समान के साथ अभिव्यवहार कर, जो व्यवहार के विषय में भी समान के साथ समान का व्यवहार होता है असमान के विषमान के साथ नहीं होता। तो समानानामेव हि प्रायेण समभिव्याहारः, प्रायेण इसलिए जो है विशेष स्थिति में तो अलग हो जाता है लेकिन सामान्य नियम लौकिक नियम ये छत्र प्रेषणादि ऐश्वर्य योगाच्च ज्ञान श्रुते क्षत्रियत्व अवगति। और
वहां की कथा में जब आगे देखते हैं, वहां आपने ये सुना है ज्ञान श्रुति पौत्रायण को रायको की स्तुति सुनने से ईर्ष्या हो गई, उनके मन में आया कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं फिर भी रायको की स्तुति हो रही है, उन पक्षियों ने हंस पक्षियों ने रायको की स्तुति। अब ये सुनकर के अंतकरण में रोष आ गया, ऐसा रात को सो गया और सुबह जल्दी जल्दी जैसे उठते ही उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया, तो सह संजीहान एवं सत्तारमुवाच ऐसा वाक्य आता, वो बिस्तर से उठते ही सत्ता को बुलाया। अब सत्ता उनके सेवक होते हैं, तो छत्र प्रेषणादि ऐश्वर्य होगा, छत्र प्रेषणादि ऐश्वर्य देखा गया, वो छत्ता को छत्ता नाम के जो सेवक है उसको ढूंढने के लिए भेजा, रथ लेकर के घोड़ा लेकर के जाओ जाकर के ये राय को कौन है कहाँ है ढूंढ करके आओ, ऐसे करके आदेश दिया। तो छत्र प्रेषणादि ऐश्वर्य होगा, ये सब ऐश्वर्य है, ये राजा के जैसे व्यवहार दिखता है, एक राजा ही कर सकता है ऐसा व्यवहार दिखता है। ये छत्ता कहते हैं, छत्ता स्या सारधे द्वास्थे वैश्या नाम अपि शूद्रजे, ऐसा छत्ता का नाम है। छत्ता सारधी आदि होते हैं जो राजा के सेवा में लगे होते हैं, नियंता भी होता है, कहीं कहीं विशेष स्थिति में सूत भी होता है, तो ये सब होता है, ये सब सारधी ही है, सारधी ग्रंथ चलाने वाले उस वर्ग में आता है। ऐसे एक व्यक्ति को बुलाकर ऐसा आदेश दिया, तो ये तो राजा ही कर सकता है, ये राजा ऐश्वर्य के साथ संबंध इनका दिखता है, इसलिए भी क्षत्रिय तो अलग है, इस कारण से भी ये ज्ञान श्रुति को क्षत्रिय मान लेना चाहिए। अतो न शूद्र से अधिकार, इसलिए भी इस हेतु से भी शूद्र को इसमें वेद में अधिकार नहीं है ऐसा सिद्ध होता है, और ये जो वेद कथित जो विद्या है इसमें अधिकार नहीं है ऐसा सिद्ध होता है, क्योंकि संबोधन से आप वहां ले जाना चाह रहे थे अब उसका वेदु के साथ निराकरण किया। ठीक है, समभिव्याहारेपि कुतो अस्य क्षत्रियत्वम्, ऐसा समभिव्याहार होने पर भी, समान अभिव्याहार कथन होने पर भी इसका क्षत्रियत्व कैसे सिद्ध होता है, तो कहते तत्राह समानानामिति, समानानामेव हि प्रायेण समभिव्याहाराः भवन्ति, शिष्य आचार्ययो स्वामी भृत्ययोश्च समभिव्याहारेपि वैषम्यमस्ति इति प्रायेण इत्युक्तम्। प्रायेण शब्द का क्यों प्रयोग किया, समभिव्याहार समान में ही हमेशा होता है ऐसा नहीं है, कभी कभी शिष्य आचार्यों में, शिष्य आचार्य समान नहीं होते, इसमें भी होता है, स्वामी भृत्य ये समान नहीं होते हैं फिर भी समभिव्याहार होते हैं, इसलिए प्रायेण कहा गया, ये सामान्य नियम है, ये अन्य दृष्टि से कहा गया है, शिष्य आचार्य स्वामी भृत्य आदि दृष्टि से नहीं कहा, अन्य दृष्टि से सामान्य व्यवहार की दृष्टि से समभिव्याहार होता है। तस्य क्षत्रियत्व हेतुअंतरमाह, वो क्षत्रिय होने में और एक हेतु उसी प्रसंग से देते कि वो सत्ता प्रेषणादि ऐश्वर्य होगा, एक और हेतु दिया, आदि शब्द है ना गोदानादि संग्रह, और बाद में जब रायको के पास जाता है तो 600 गायों को लेकर के जाता है, उसके पास बहुत गाय है, 600 गाय ऐसी दान देने के लिए है उनके पास, जिसका मतलब गोदान आदि कर रहा है, राजा ऐश्वर्य ही दिखाता। क्षत्रियत्वे संवर्ग विद्या अधिकारिणः सिद्धे फलितमाह, अब ये संवर्ग विद्या का जो अधिकारी है ज्ञान श्रुति पौत्रायण ये क्षत्रिय है ऐसा सिद्ध हो गया, इन सब हेतुओं से आपको ऐसा मानना पड़ेगा। अतः इत्यादि से कहा अदान शूद्र से अधिकार, शूद्र से अनधिकारे लिंगांतरमाह, और एक प्रमाण और देते हैं, एक लिंग प्रमाण और देते हैं, एक और वाक्य सामर्थ्य है उससे भी ये मालूम पड़ता है कि शूद्र को वैदिक उक्त विद्याओं में अधिकार नहीं है, तो शूद्र से अनधिकार है लिंगांतरवाह संस्कार इत्यादि शूद्र का। एक नंबर टिप्पणी है, दो
दोनों में डिफरेंट। हाँ, छत्र प्रेषणादि ऐश्वर्य में है। पूर्वम वाक्योपक्रमे संदेहम अभ्युपेत्य वाक्य शेषा निर्णय कृतः। पहले तो वाक्य के उपक्रम में ये विचार किया कि ये शूद्र शब्द में संदेह किया, शूद्र शब्द का रूढ़ अर्थ लेना चाहिए अथवा यौगिक अर्थ लेना चाहिए। ऐसे संदेह करने के बाद में वाक्य शेषा निर्णय, वाक्य शेष से निर्णय किया। इदानीं नैव संदेह, अब कहते हैं कि संदेह होने के कोई गुंजाइश ही नहीं है, संदेह होने का अवसर ही नहीं है, क्योंकि शूद्र शब्द परामर्शात प्रागेव अमात्य प्रेषणादिना क्षत्रियत्व निश्चयादित्या, ये कारण है। शूद्र शब्द का प्रयोग तो बाद में हुआ, जब ज्ञानश्रुति पौत्रायण त्रैको के पास पहुंचा, ये घोड़ा गाड़ी सब लेकर के वहां पहुंचा दक्षिणा के रूप में, तब उन्होंने उसका प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग किया। किंतु उसके पहले ही राजा ने स्वयं अपने क्षत्रिय जो जो क्षत्रिय बने राजा होते हुए उनके सेवक रूप में छत्ता आदि का प्रेषण करना, ये पहले दिखता, इसका मतलब ये पहले से उनका क्षत्रियत्व निश्चय। सामान्य व्यवहार में देखेंगे तो क्षत्रियत्व मालूम होगा, यदि समझ लो आगे जाके उन्होंने वो शूद्र शब्द का प्रयोग राय को नहीं किया, वो दो बार उन्होंने संबोधन किया, वो दोनों संबोधन को हटाएंगे तो कोई किसी को संशय नहीं होगा कि वो क्षत्रिय है कि नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है कि वो राजा के जैसा ही उनका सारा व्यवहार दिखता है। इसीलिए वो केवल उस शब्द को लेकर के है, वो भी संबोधन रूप शब्द है, और राइको की भाषा भी आपको समझ में आ रही होगी, थोड़ा ऐसे ढंग से बात करने वाले दिखते हैं। इस प्रकार से उन्होंने संबोधन किया तो पहले से निश्चय है कि वो क्षत्रिय ही है, ठीक है, जो बाद में वहां जाकर के संबोधन होने के पहले की बात है। शूद्र शब्द परामर्शात प्रागेव, वो परामर्श करने के पहले ही अमात्य प्रेषणादिना, अमात्य को यानी उनके जो मंत्री है सेवक है उनको भेजा, क्षत्रिय तो निश्चयादित्या, यही क्षत्रिय निश्चय का कारण है, यही अंतिम भाष्यकार ने दिया। अभी सूत्र देखिए, संस्कार परामर्शा तद अभावाभिलापाच्च, एक अन्यत्र प्रसंग दिखाना चाहते हैं कि जब कोई शिष्य भाव से गुरु के पास पहुंचता, पहले जमाने में ऐसा थे कि गुरु के पास आप जाके गुरु को अभिवादन करना होता, गुरु को अभिवादन करके नमस्कार करते। ये अभिवादन में आपका गोत्र, पिता का नाम और कौन से अन्वय का, कौन से वंश का, ये सारे बोलकर अपने नाम, कुल का नाम, गांव का नाम, जो भी बोलना होगा वो सब बोल करके हो करके अभिवादन करके बोला जाता। अब इससे क्या है कि एक विशिष्ट मर्यादा है, कि इससे क्या होता है कि व्यवहार में बिल्कुल स्पष्टता रहती, बाद में उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ता, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आया, तुम्हारा पिता क्या करता है, अब ये सब पूछना अच्छा नहीं होता। कोई भी हमारे सामने आए तो वो अच्छा नहीं होता, और इधर भी कोई आके एक बार हमको भी ऐसे बोले थे, तो आप कोई भी आता है तो आप पूछते हैं कहां से आया, क्या आया, वो आया, जो कोई भी आया तो पहले उनको बिठा के खिलाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, बिठा के खाने का समय तो खिलाना चाहिए और बाकी तो पूछना चाहिए सब कर, किसी ने ऐसा आवश्य किया कि ऐसा नहीं पूछना चाहिए आश्रम में। मैंने कहा ये तो ठीक है, नहीं पूछना चाहिए, किंतु पूछने से बोलने में क्या तकलीफ है। अब आप एक जगह नए जा रहे हैं, आपसे हम परिचित नहीं है, आपने कोई चिट्ठी पत्र लेके आया नहीं है, कहां से आ रहे हैं आप, मुझे जैसे मिलने के लिए आया तो कहीं से सुन करके आया होगा, कोई आश्रम है, कोई संत है, या किसी ने कुछ प्रकार से आए होंगे, तो आपको जैसी जानकारी हो गई थी पहले, आप आ गए, अब हमें जानकारी नहीं है तो हम कैसे आपसे वार्तालाप करें। तो आपसे भी करने के लिए परिचय तो होना चाहिए, सामान्य व्यवहार है आश्रम में, कोई पूछना नहीं चाहिए ऐसा
कहीं भी लिखा नहीं है, ऐसा होता भी नहीं। अब आप कल्पना करते थे, मतलब यहाँ तक लोग सोचने लगे कि कुछ ना कुछ काज भी नहीं करना चाहिए, ऐसे ब्रह्म विद्या में किसी को पूछना नहीं चाहिए, मतलब सामान्य व्यवहार का वो हर भी चला गया। आप कहीं भी कोई ऑफिस में जाओ, या कहीं आप ऑफिस में नहीं, आप एक क्या बोलते हैं होटल में रूम लेने के लिए जाओ तो वो नहीं पूछता है, वो ऐसे जाके आपको चाबी दे दे, हाँ आईडी पूछता है, वो सारा पूछेगा आपका रिकॉर्डिंग में, यदि शंका हो गया तो वो फिर सब दे करके समझेगा, ऐसा नहीं होता। तो जब ऐसे में आप पैसा दे करके रहने के लिए जा रहे हैं, वहां भी ऐसा पूछता है तो आश्रम में नहीं पूछना चाहिए, तो ये एक ऐसा सोचते हैं लोग, इसीलिए ये सब एक व्यवहार की दृष्टि से बहुत स्पष्टता थी पहले, इधर उधर नहीं होने का था, वो अपने आप आकर के परिचय दे करके बात करना होता था। और बड़े लोग जो होते हैं, जैसा अभी भी कहीं भी हम बड़े जैसे संतों का या कोई आचार्यों को मिलने जाते हैं, तो हम जाते ही नमस्कार करके अपना परिचय देना चाहिए, उनको पूछने के लिए नहीं रुकना चाहिए कि हम यहाँ से आ रहे हैं, ऐसा काम के लिए आ रहे हैं, ऐसा है हमारा गुरु का नाम, ऐसा नाम, ये सब बताना चाहिए। उससे क्या है, उनको भी समझ में आएगा कि इनसे क्या व्यवहार करना है, क्या बात करना है, ये है ही नहीं तो कैसे हो। ये नियम पहले था, आपको आईडी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अपने मुख जवान खुला बोल देना होता था। और बोलने के बाद में क्या है कि जिस गोत्र परंपरा के आप हैं उस गोत्र के अनुसार दीक्षा देते, क्योंकि अलग अलग गोत्र का कुछ विशेष नियम है, उन विशेष नियमों को पालन करते हुए मंत्र दीक्षा होना होता था। और कभी कभी ऐसा होता है किसी गोत्र के जो व्यक्ति है, जो आया हुआ है शिष्य है, वो दूसरे गोत्र के गुरु है समझ लीजिए, अब वो गोत्र के गुरु में उनके वहां कुछ नियम होता है, अमुक गोत्र का अमुक गोत्र में दीक्षा दे सकता है, अन्य को नहीं दे सकता, ऐसा कुछ नियम ये अन्वय परंपरा में है, ये मीमांसा में आपको पता चलता है। अब ऐसा यदि होगा तो फिर गलत हो जाएगा, शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, अब अन्य गोत्र के अन्य में हो गए, क्योंकि बाद में जब दीक्षा मंत्र देने के बाद फिर वहां कुछ बदलाव होता है, जो आचार्य के अनुसार जो गोत्र मानते हैं वो मंदिर के अनुसार मानना पड़ता है। अब ऐसे होता है क्योंकि गोत्र ऋषि परंपरा के होते हैं, ज्ञान की परंपरा, और एक तो हमारे जन्म परंपरा भी है, दो मिला हुआ होता है, इसीलिए ये नियम रखा किसको किसके साथ, किसका किसके साथ होना चाहिए। जैसा अभी बृहस्पति है, बृहस्पति किसको दीक्षा दे सकते हैं, वो तो देवताओं को ही दे सकते हैं, और वो शुक्राचार्य दैत्यों का ही देते हैं। अब वो क्या है, नियम बनाया हुआ, और है तो ये दोनों एक ही पिता के हैं, कश्यप के ही संतान है ये दोनों, दैत्य और देवता आदित्य, दोनों दीदी और अदिति के पुत्र संतान है। ऐसे होते हुए मैंने कुल के हिसाब से तो एक है, ऐसा होते हुए भी उनके आचार्य परंपरा अलग अलग, अब इधर से उधर नहीं कर सकते। तो ये कुछ विशेष नियम है जो हम लोग जानकारी रखनी चाहिए, ये जानने से हमको मालूम पड़ेगा कि शास्त्र इन बातों को क्यों इतने महत्व दे रहे हैं, इस पर व्यवहार के विषय में इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं। और आप भूल गए, आप नहीं जानते हैं, उस शास्त्र का कोई दोष नहीं है, आप नहीं जानते हैं किसका दोष है, आपका दोष है कि शास्त्र का दोष है, शास्त्र का दोष नहीं, शास्त्र तो सबके लिए फैला हुआ है, आप उसको पढ़ा नहीं है, जानता नहीं है, तो आप दोषी है, आप उसका प्रायश्चित करो, आप जानकारी प्राप्त करो, और क्या कर सकते। जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा है, आपको प्रकाश नहीं चाहिए, आप अंधेरे में कमरा बैठ करके बंद करके बैठा हुआ है, तो आपका दोष है, वो सूर्य का दोष तो नहीं है। इस प्रकार से ये व्यवहार होता था, उसका एक उदाहरण देना चाह रहे अभी प्रसंग में, कि संस्कार परामर्शात तद अभाव अभिलाभात, ये संस्कार को लेकर के जब बात करते हैं कि उपनयन करके ही दीक्षा देनी चाहिए, उपनयन करना, कोई भी जाकर कोई किसी से विद्या प्राप्त करने के लिए पूछते हैं तो उनको उपनयन कराते हैं, तो उपनयन करा करके ही दीक्षा देना होता है, तो ये संस्कार का परामर्श किया, तम उपनिन्ये, उनको उपनयन कराने के बाद में दीक्षा दिए, तो उपनयन कराने के लिए ये जो नियम है ये सब चाहिए, तो उपनयन कराने के लिए आपको सब पूछना पड़ता है। मैंने कहा कि गर्भाधान से लेकर के संन्यास पर्यंत जितने कर्म है, जो संन्यास नहीं लेते हैं अंत्येष्टि पर्यंत जितने कर्म है, उन सभी कर्मों में
ये सब व्यवहार होता है, ये पूछ करके जान करके तभी होना चाहिए, क्योंकि कर्म के साथ उसका संबंध है। और संन्यस्त होने के बाद में फिर उनका अंत्येष्टि इत्यादि में किसी के साथ कर्म का संबंध नहीं, वो बाहर हो जाता है, कर्म से बाहर हो जाता है, कर्म के घेरे से बाहर होगा। तो ऐसा होने पर फिर आगे नहीं होता, तब तक तो होता है। इसीलिए उपनयन का तो बहुत महत्व है, उपनयन किया है कराया है बोलने पर वो अपने आप बाकी सब समझ लेंगे, शास्त्र व्यवहार समझ लेंगे। ऐसा संस्कार का परामर्श दिखाई पड़ता है कि पहले कोई भी जाता है तो उनको पूछा जाता है, संस्कार करने के लिए पूछा जाता है। तो अधिभावो ससाद नारद जी जो है सनत कुमार जी के पास जाकर के पूछा, और वहाँ प्रश्नोपनिषद में पिपलादि ऋषियों का नाम आया। तो ऐसे ऐसे जो बातें हैं ये विशेष मालूम पड़ता है कि वो विद्या को प्रदान करने के लिए उपनयन संस्कार की आवश्यकता, ये सिद्ध करना चाहते। विद्या प्रदान उपनयन के बिना नहीं हो सकती है, इसके लिए परामर्श दिया। संस्कार परामर्श तदा अभाव अभिलापाच, और उसके अभाव में यानी जब चतुर्थ वर्ण को हम देखते हैं, चतुर्थ वर्ण के लिए उपनयन का अभाव दिखाई पड़ता। अब अभाव दिखाई पड़ने का अर्थ क्या हुआ कि वो उपनयन के साथ जो दीक्षा चाहिए, जो मंत्र चाहिए, जो वेद पढ़ना चाहिए, उनको प्राप्त नहीं, ये दिखा रहे हैं। ये तो नियम ये है कि उपनयन करने के बाद ही वो दीक्षा दे, उस विषय में ज्ञान दे, वैदिक मंत्रों के विषय में, वैदिक जितने भी उपनिषद आदि जो भी होगा वैदिक मंत्रों के विषय में ज्ञान देना चाहिए, ऐसा कहे। अब ये तो नियम हो गया। अब फिर दूसरे जगह चतुर्थ वर्ण के लिए उनका अभाव दिखाई पड़ता, अब वो तो उसके साथ इसका संबंध नहीं है, ऐसा होता। निराकरण तो नहीं किया, इसमें एक आश्चर्य बात यह है कि वेद में ऐसा निराकरण शब्द नहीं मिलता, निराकरण नहीं मिलता है, इसलिए लोगों को भ्रम होता है। और निराकरण में क्या है, निराकरण जो निषिद्ध होता है, निषिद्ध में और नहीं कहने में अंतर होता है। निषिद्ध में जो जैसा न सुराम विभेद, निषेध विधि है, तो निषेध विधि में और इसमें अंतर होता है। वो इसलिए ऐसा है, इसका कारण, इसका रहस्य यह है कि वेद विहित कर्मों में जिनका कर्तव्यों को करने के लिए कहा वही विधि के अंदर आता है, जिन कर्तव्यों को करने के लिए कहा वो विधि के अंदर आता है, वो विधि के अंदर आने से उसका फल आपको सीधा प्राप्त हो जाए। और जो विधि में नहीं कहा उसका अर्थ वो नहीं करना है, यही होता, ठीक है। अच्छा, ये तो सामान्य नियम आप लोग सभी समझते हैं कि जो विधि के अंदर आ गया तो उसको करने से फल होता, और जो विधि के अंदर नहीं कहा गया वो नहीं करना चाहिए, अर्थात सिद्ध होता है वो नहीं करेंगे। निषेध कब करता है, निषेध तब करता है जब आपको किसी कारण से प्राप्त हो, प्राप्त होने पर वो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलना, क्योंकि प्राप्त से ही निषेध संपत्ति, ऐसा नियम है। अप्राप्त है तो निषेध नहीं होता, इसीलिए निषेध नहीं है। प्राप्ति में नहीं तो निषेध कैसे करेंगे, क्योंकि प्राप्त से ही निषेध। अब निषेध करने से, ये मीमांसा का नियम जानने से, वाक्य नियम आप लोग सुने हैं, तो वाक्य का नियम ऐसा है कि किसी भी निषेध को आप देखते हैं, निषेध करे प्राप्त का निषेध होता है, वो प्राप्त का निषेध करेगा। अब यदि यहाँ निषेध वाक्य वेद में होता तो फिर प्राप्त हो जाता, मतलब कहीं प्राप्त है कहीं निषेध, ऐसा होता। न सुराम विभेद जो कहा ये ब्राह्मणों के लिए विशेष कहा, यानी ब्राह्मण यदि सुरापान करता है और शराब पीता है तो ब्रह्महत्या पाप लगेगा, ब्रह्महत्या पाप पापों में बहुत बड़ा मंच है, ब्रह्महत्या होने के बाद भी फिर कुछ काम का नहीं, नरक ही है उनका। तो अब वो प्राप्त है, अन्य कर रहे हैं, बाकी जो है अन्य वर्ग के लोग वो कर रहे हैं, वो पी रहे हैं, तो इसलिए उनको भी पीना चाहिए, ऐसा हो जाएगा। और कहीं कहीं ऐसा शब्द दिखता है, जैसे सोम शब्द के स्थान पे जो शब्द दिखता है तो शब्द को लेकर के कभी शंका हो जाती है, जब सोम पान कर सकता है तो ये क्यों नहीं करता,
ऐसे ऐसे लोग बोलते, ऐसा करके शंका होने पर इसका निषेध किया जाता है। इसीलिए वो रागत प्राप्त है, सुरापान रागत प्राप्त है। वो रागत प्राप्त मतलब स्वाभाविक कर्म से आपको प्राप्त है, स्वाभाविक रूप से सुरापान भी कर सकता है, तो रागत प्राप्त का वह निषेध होता है। अब यहाँ ऐसा किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं, रागत तो प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये राग के विषय में आने वाले नहीं, लौकिक है, अलौकिक है, अलौकिक रागत प्राप्त नहीं होता, तो अलौकिक शास्त्र विधान से ही आता है। अब स्वर्ग के बारे में आप लोगों से मालूम रहते हैं, स्वर्ग के बारे में शास्त्र ने कहा, शास्त्र को जानने वाले कहते ऐसा, इसीलिए लोगों में इसमें ये संशय हो गया कि जैसा वसंत आदि ऋतु का विधान त्रैवर्णिकों ने किया और इनका निषेध भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। अब आगे हम बताएंगे पूरा जो है अंतिम सूत्र में इसके विषय में विस्तार से बताएंगे, क्या क्या नियम उनका है, क्या नहीं है, ये सारे स्पष्ट रूप से बताएंगे। और वहां ये स्पष्ट है कि जिनका इस प्रकार से प्राप्त होकर के निषेध नहीं किया, जिन कर्तव्यों का उनका पालन वो करना चाहिए, जैसा आपने निषादस्तपति में रथकार अधिकरण में देखा, बिल्कुल इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहेंगे। तो इसीलिए निषेध है, निषेध दिखता है या उसको नहीं करने के लिए कहा, तो यज्ञ अनवक्लिप्त ये शब्द यहाँ आया, यज्ञ में अयोग्य है, इसे सिद्ध किया, अयोग्य इसलिए है कि उपनयन नहीं है। अब उपनयन जिसको भी नहीं है वो सभी अयोग्य होता, ब्राह्मण होता हुआ भी उसको उपनयन नहीं किया समझ लो, ब्राह्मण तो उत्तम वर्ण का है, उत्तम गोत्र का है, सब कुछ है, तो उपनयन नहीं किया तो उनको यज्ञ में बिठाएंगे क्या? नहीं बिठाएंगे। इसीलिए तो जबरदस्ती शादी आदि में भी बिठाने के लिए उसको डालना पड़ता है, क्यों डाला जाता है, क्योंकि उसके बिना नहीं कर निकलेगा। तो वहां जाति का मतलब नहीं है, वो उपनयन संस्कार होने के बाद में करना चाहिए। अब उतने तक हम सीमित रखा है काम चलाओ के लिए, वास्तव में उपनयन भी उसी को करना चाहिए जिसको गर्भाधान आदि बाकी संस्कार हो गया शास्त्र में, वो उतना नहीं किया तो ये भी नहीं करना चाहिए, ऐसा है। अब वो तो नहीं देखते हैं, बाकी तो बाहर जो भी होता है उसको देखते हैं, उतना करने के बाद में ये करना चाहिए, ये तो बाद का संस्कार है ना, पहले संस्कार नहीं हुआ तो संस्कार भी है ही नहीं, अब वो संस्कार तो नहीं है तो ये संस्कार कैसे होगा। अब विवाह आदि समय में चाहिए इत्यादि जैसा होगा, तो ये आप बिल्कुल उसी वस्तु पर उसी पॉइंट पर आपको रुकना पड़ेगा कि ये उपनयन संस्कार एक विशेष योग्यता है जो वेदाध्ययन के लिए कहा गया, ये योग्यता जिसको प्राप्त है वो कर सकता, उसके बिना नहीं कर सकता, और उसके बाद में तत्संबंधी कर्मों में वो प्रवृत्त होता, सबके लिए कारण बताया। इसीलिए कह रहे हैं कि संस्कार का परामर्श इन कर्मों में देखा गया है, कर्मों की बात नहीं, यहाँ उपनिषदों में भी दिखाई पड़ता है, ये शब्द दिखाई पड़ता है, बने चाहिए ऐसा दिखाई पड़ता है। और तदा अभाव अभिलाभना, और कदम संवरने के लिए उसका अभिलाप किया गया है, वो नहीं उनको प्राप्त नहीं होता है, उसका निराकरण है, इसलिए उनको नहीं स्वीकार करना चाहिए, इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता। इदश्च न शूद्रस्य अधिकारः, इस कारण से भी शूद्र को अधिकार नहीं है। यदि विद्या प्रदेशेषु उपनयनादयः संस्काराः परामृश्यन्ते, जो विद्या प्रदेशों में भी जो उपनिषद विहित विद्याएं हैं, उन विद्या प्रदेशों में भी उपनयनादयः संस्काराः, उपनयनादि संस्कार का तो परामर्श दिखाई पड़ता है, बिल्कुल इसके साथ संबंध है नहीं, ऐसा नहीं है, परामर्श उनका भी है। संभव उपनिन्ये, एक वाक्य दिया तो उस शिष्य को गुरु ने उपनयन करा दिया, अधी ही भगवो उपतसाद, नारद जी संत कुमार जी के पास हे भगवहा अधी ही ऐसा संबोधन करते हुए नारद जी कहते हैं कि मुझे अध्ययन करा दीजिए, मैंने आप उपदेश दी, तब हा उपसादा, यहाँ उपसादा कहा, ये ऐसा उपसन्न होने का अर्थ होता है शिष्य भाव से ऐसा हो जाना, तो ये इसमें भी उपसादा शब्द के द्वारा उपनयन लक्षित होता है।
ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्म अन्वेषमाणा एषः वै तत्सर्वं वक्ष्यतीतिह भवित्पाणयो भगवन्तं विप्पलादमुपसन्नाः। वहां भी दिखाई पड़ता तो ब्रह्मपराः ब्रह्मनिष्ठा, वहां छह ऋषियां हैं आप जानते हैं, अथर्ववेद का प्रश्न उपनिषद है, छह ऋषि अलग अलग प्रश्नों को लेकर, सब प्रश्न का तात्पर्य ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म अन्वेषमाणाः, ब्रह्म के गवेषणा करते हुए, ब्रह्म के जिज्ञासा करते हुए पिपलाद उपसन्नाः, पिपलाद ऋषि के पास चले गए, वहां जाकर के शरणागत हो गए। क्या सोच करके गए? एषः वै तत्सर्वं वक्ष्यति। पिपलाद ऋषि के बारे में वे पहले सुन चुके थे, इसलिए वो स्मरण किए कि यही पिपलाद ऋषि हमारे लिए सब कुछ कहेंगे, जो कुछ हम पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इसके विषय में सब कुछ बताएंगे। ऐसा सोच करके छह ऋषि वहां जाते हैं। कैसे जाते हैं? तेह समित प्राणय, संविदा हाथ में लेकर के जाते हैं। संविदा दान होता है ब्रह्मचारियों के लिए, संविदा दान नियम है, और हर दिन वहां गुरुकुल में अपनी गोत्रादि होता है, तो उसके लिए संविदा चाहिए। तो संविदा हाथ में लेकर के ये छह ऋषि कुमार वहां प्रहलाद महर्षि के पास जाते। हमारे लिए यहाँ ये शब्द है उपसन्नाः, उपसन्न हो गए, यानी वो ये भी ये सूचना देता है कि वहां जानने के लिए, मैंने ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म को अन्वेषण करते हुए जा रहे हैं, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए विप्रहलाद ऋषि के पास जा रहे हैं, तो ये उपसत है, वो साथ में उपनयन आदि का संबंध रख करके होता है। तो उपसत मैंने पहले से उपनयन उनका हो रखा है, किंतु वो शब्द ऐसा दिखता है, उससे उनके शरणागत होने पर भी वो प्रतिपन्न हो गया, उपसन्न हो गया, नहीं उस भाव से भाग गया। यदि जिनका नहीं हुआ, अभी जावाल की कथा आगे बताएंगे, जावाल को नहीं हुआ था तो जावाल के लिए वो कराएंगे, अपने आप कराएंगे, और जिनको हो गया है और वो उस भाव से जाते। और एक विशेष व्रत आदि के लिए दीक्षा जब लेते हैं तब भी वो बदला जाता है, जो उन्हें जो जनेऊ डालते हैं, जनेऊ को बदल करके नया दिया जाता है, नया डाला जाता है, ऐसा भी होता है। इस प्रकार से वो कार्य विशेष के लिए ये दीक्षा जो करते हैं, दीक्षा लेने के बाद दीक्षा के संबंध में जो नियम है वही नियम को पालन करना होता है, इसलिए उसके लिए विशेष अधिकार प्राप्त करा करके उसके अनुसार भी दीक्षित किया जाता है। ये सब यहाँ दिखता है दीक्षा के बारे में। तान अनुबनीयेव इत्यपि प्रदर्शितेव उपनयन प्राप्ति भवति। और जब वैश्वानर विद्या में हम देखते हैं, वैश्वानर विद्या में अश्वपति के पास उपमन्यु प्रभृति ब्राह्मण जो ऋषि हैं वो जाते हैं। अब यहां देखिए, यहां दोनों में अंदर बता रहे तान हा अनुबनीयेव। अब वो राजा अश्वपति है, वो अब उन ब्राह्मण ऋषियों को क्या उपनयन कराएंगे, इसलिए उन्होंने उपनयन नहीं कराया, वाजा एव वाणी से ही उपनयन हो गया, फिर भी उपनयन माना है। अब इतने बड़े बड़े वहां जो है जो जाते हैं ऋषि, उनमें आप देखने से बड़े बड़े ऋषि है, वैश्वानर विद्या के उपासक है, पहले से वो जानते हैं कुछ, किंतु विशेष जानने की इच्छा हुई, उनको सम्यक प्रकार से ज्ञान नहीं था, और सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे जा रहे हैं, और जाते हुए भी राजा के पास जा रहे हैं, अश्वपति कही गई राजा, राजा के पास जाते हुए भी ये शब्द प्रयोग किया। तब राजा स्वयं कहते हैं कि ऐसा जरूरत नहीं है, वाणी से भी होता, वाणी से भी कर सकते, तो राजा होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो दान व अनुबनीय उपनयन किए बिना ही उस भाव को स्वीकार करते हुए ये दिखा। अब ये क्या दिखा रहे भाष्यकार यहाँ, ये सर्वत्र ये जो शब्द आया है उपनयन, ये संस्कार विशेष का दर्शक है, ये संस्कार विशेष को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो विद्या को प्राप्त करने के लिए भी, ऐसा दिखा रहा है, ये दिखाना चाह रहे भाष्यकार। यदि ऐसा नहीं होता तो यहाँ क्या कहने की आवश्यकता है? अभी जो पिपलाद महर्षि के पास जो ऋषि गए, वे भी पूरे उनके पूरे संस्कार हो चुके हैं, फिर उनको संस्कार का अलग से कथन करने की क्या आवश्यकता।
और अश्वपति के पास जो ऋषि जा रहे वो भी बड़े बड़े ऋषि है, वो पहले से वो सब कुछ किए हुए हैं, उनको ऐसा वहां क्या कहने के। ये एक नियम है कि ऐसा आप कोई भी विद्या प्राप्त करना है तो वो गुरु के आदेश अनुसार दीक्षा करके ही उस विद्या को प्राप्त किया जाता है, और दीक्षा होने के बाद में गुरु का आदेश का अनुपालन करके उसको प्राप्त किया जाता है। ये नियम यहाँ लागू है ऐसा दिखा। अभी आगे का सूत्र का करते हैं, संस्कार का अभाव का अभिलाभन किया, तथा भाव अभिलाभाच वो संस्कार चतुर्थ वर्ण को नहीं होता है ऐसा कहा। शूद्रस्य च संस्कार अभाव अभिलप्यते, शूद्र को संस्कार का अभाव कहा जाता है। जैसे शूद्रस्य चतुर्थो वर्ण एक जाति ही, ये गौतम धर्म सूत्र है। इति एक जातित्व स्मरणात्, एक जातित्व का स्मरण किया। एक जाति मैंने एक बार ही जन्म होता, बाकी वो ब्राह्मणादि जो त्रैवर्णिक है उनको द्विज कहा जाता है, यानी दो बार जन्म होता है। पहले तो मादा के गर्भ से एक जन्म, और उसके बाद में गुरु के पास जाकर के उपनयन आदि जो वेद आरंभ करने के लिए उपनयन आदि संस्कार करते हैं, तब दूसरा जन्म, और स्मृति आदि में एक तीसरा जन्म भी कहा। उसके बाद में आगे जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर्म में व्यवहार में आ जाते हैं, तब उनका एक और जन्म भी माना है, वो संस्कार के संबंध से माना। तो ये तो चतुर्थ, जो चतुर्थ है चतुर्थो वर्ण स्पष्ट कहा, जो चतुर्थ वर्ण है वो एक जाति, वो एक जाति है, उनका दूसरा जन्म नहीं होता ऐसा कहा। दो दो धर्म सूत्र में, धर्म सूत्र कल्प सूत्रों में आता। ऐसा क्यों कहा, इसके लिए भाष्यकार आगे मनु का वजन देते हैं। न शूद्रे पादकं किंचित् न च संस्कारम् अर्हति इत्यादि विस्तार। तो शूद्र में कोई पादक नहीं होता, कोई पाप नहीं होता, इसलिए न संस्कारम् अर्हति, उनको संस्कार भी नहीं होता। संस्कार किसके लिए होता है, कि दोष का अपनयन करके विशेष शुद्ध करने के लिए होता है, शुद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है उनको। न शूद्रे पादकम किंचित न संस्कारम अर्हति, संस्कार की आवश्यकता है। तो संस्कार का मतलब सफाई करना होता है, जो भी चावल आदि को हम संस्कृत करते हैं, यानी साफ करते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं, तो ये तो संस्कार होता है। तो संस्कार से कुछ साफ करके निकाला भी जाता है, कुछ विशेष डाल दिया जाता है, वो भी संस्कार होता है। जैसे रोटी आदि बना के उसमें घी का लेपन करेंगे, ये संस्कार, तो रोटी में घी का लेपन करना, वो लगा दिया ना, एक विशेष लगा दिया। और जैसे हम लोग स्नान करते, अब स्नान करना एक संस्कार है, स्नान करने से क्या होता है, एक तो शरीर का जो मल है वो निकल जाएगा, शुद्ध हो जाता है, और उसके बाद में विभूति आदि धारण करते हैं, तिलक धारण करते हैं, ये भी एक संस्कार। और इसमें क्या, बाहर से लेपन किया जाता है, तो ये दोनों प्रकार से दोनों को संस्कार ही बोलते हैं। दोनों शुद्धता के लिए होता है, साफ करने के लिए होता है। अब शुद्धता कब तब चाहिए, जब अशुद्ध हो तब चाहिए। जिस प्रकार की अशुद्धता है उस प्रकार की शुद्धता होती है, एक अन्य की शुद्धता अन्य को से संबंध नहीं रखता, तो ये नियम है। अब यहाँ इनको एक जातित्व क्यों कहा, क्योंकि उनको आगे जाके जो कर्म करना है उसके लिए जो शुद्धता चाहिए वो उनको है ही नहीं, आवश्यक नहीं है। अब वो आगे जाके कर्म करने के लिए जो शुद्धता चाहिए उसके लिए उनको तैयार करना था त्रैवर्णिकों को, तब उनको विशेष संस्कार दिया गया था, अब वो उनको आवश्यक नहीं है, इसलिए वहीं तक रोक। जो षोडश संस्कार है, षोडश संस्कारों में कोई तो दस संस्कार चतुर्थ वर्ण का मानते हैं, कोई बारह संस्कार मानते हैं, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे, तो इतने मानते हैं, वो विशेष रूप से होता है, बाकी तो वो सामान्य में आते हैं, जैसे अभी शिखा रखना ये सब सामान्य में आता है, क्योंकि ये विशेष संस्कार उनका नहीं। ये कहा शूद्रे पादकम किंचित न संस्कार मानता, अभी इससे ये पादक कुछ भी नहीं है बोलने से पाप होता ही नहीं है ऐसा अर्थ नहीं है। पादक मतलब पादक शब्द और पाप उसमें थोड़ा अंतर है। पाप होता है जो निषिद्ध आचरण करने से पाप होता है,
ये याद रखना, पाप मन वेद ने ये नहीं करने के लिए बोला, आपने किया तो पाप। बाधक क्या होता है कि आप ऐसा कुछ कर्म किया जिससे आप गिर गया, आपको आगे पापी होने की स्थिति आ गई, इसको बाधक कहते हैं। कुछ कर्म ऐसे किया उससे आपको पाप हो गया, अब गिर गए, उसको कहते हैं बाधक। तो ये बाधक ही होता है। और एक जो कर्म को करने के लिए कहा है वो कर्म का यदि आचरण आप नहीं करते, आपको हर हर संध्या उपासित ये कहा प्रतिदिन संध्या वंदन करना चाहिए, तब एक होता है प्रत्यवाय होता है। ये प्रत्यवाय और पाप में भी अंदर है। प्रत्यवाय का फल क्या होगा कि आगे आपको पापी होने की स्थिति आ जाएगी, मतलब आगे आप पापी बन जाए। तो आपने एक दिन संध्या करना छोड़ दिया, संध्या के समय में संध्या नहीं किया, तो उस समय क्या करेंगे? अब ऐसे कोई काम में लगा होगा जो शास्त्र विहित नहीं होगा, उस समय के लिए शास्त्र विहित नहीं है, ऐसा कर्म में आप लगा होगा, अब वो ही प्रत्यवाय होता है। जो शास्त्र ने संध्या के समय में संध्या उपासित कहा, उसके लिए आपको अधिकारी बनाया और आप कर रहे हैं, लेकिन एक विशेष दिन में आप उस समय को संध्या को मान करके उपासना नहीं की, तो वो शास्त्र उल्लंघन हो गया। हाँ, वो निषेध के संबंध से नहीं है, वो विधि का आचरण नहीं किया। विधि का आचरण नहीं करने से प्रत्यवाय होता है। प्रत्यवाय होने पर मन का स्तर गिर जाता है और बाद में वो पापी होने के मतलब रास्ते से भटकने की स्थिति हो जाती है। ये रास्ते के भटकने की जो स्थिति है उसको प्रत्यवाय कर, इसीलिए तुरंत प्राश्चित करके अपने को वापस रास्ते में लाना पड़ता, फिर पटरी पर लाना पड़ता, उसको प्राश्चित बोलते। प्रत्यवाय का प्राश्चित होता है, पापों का भी प्राश्चित होता है, पादकों का भी प्राश्चित होता है, विशेष अलग अलग स्तर में होता है। ये तीनों में अंतर है, इसीलिए शूद्र में पादक नहीं है कहने का तात्पर्य कुछ विशेष है। इसके बारे में एक टिप्पणी है, यहाँ आप देख सकते हैं, एक नंबर टिप्पणी। भाष्य संस्कार अभाव इति, भाष्य में कहा संस्कार अभाव अभिलिप्य, संस्कार का अभाव कहा गया, संस्कार गुण होता नहीं, तो क्या कोई भी संस्कार नहीं होता क्या? यदि कोई भी संस्कार नहीं होता जैसे आजकल लोग समझते हैं और प्रचार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, कोई भी संस्कार दुष्ट वर्ण को है नहीं, वो सब बाहर कर दिया, ऐसा करके जो प्रचार करते हैं तो बिल्कुल गलत है। कोई भी संस्कार यदि नहीं होता तो वो वैदिक होते ही नहीं, ये चतुर्थ वर्ण भी वैदिक है, मैंने पहले कई बार कहा है, वो वैदिक है और सनातनी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, अभी की भाषा में हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और भारतीय संस्कार को पूरे पूरे अंगीकार स्वीकार करके बढ़ने वाले हैं, वो वैदिक है। वैदिक कहने से वेद मंत्र बोलने वाले ही वैदिक नहीं है, वेद में जो कहा उसका आचरण करता है वैदिक होता है। जैसे एक फैक्ट्री में अलग अलग काम करता है, अलग अलग काम करने वाले सभी उसी के साथ जुड़े हुए होते हैं, उस संस्था के साथ जुड़े हुए होते, इसी प्रकार वैदिक नाम के जो संस्था है, जो व्यवस्था है, जो संविधान है, या कुछ भी कहे नियम है, उसके अनुसार चलने वाले, इसीलिए वो ऐसा मान रहा है, इसलिए अभी वैदिक हो जाते। तो बिल्कुल यदि संस्कार कुछ भी नहीं है कहेंगे तो वो तो बाहर हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा तात्पर्य नहीं है ये कहना चाह रहे टिप्पणी का। चल हम इसकी और व्याख्या करेंगे आपको। न शूद्रे पादकम इति वचनेन शूद्रस्य संस्कारो निषिद्धः, न शूद्रे पादकम, ये जो कहा शूद्र में कोई पादक नहीं है, हाँ वो गिरता नहीं, ऐसा कहने से शूद्र का संस्कार का निषेध ऐसा दिखता है। मंद्रवर्जम न दुष्यति इति अमंत्रकः स्वाभ्यनुज्ञातः, किंतु अन्यत्र वाक्य में कहा गया है मंद्रवर्जम न दुष्यति, उनको संस्कार होता है किंतु मंत्र पढ़ करके नहीं होता, वेद मंत्र स्वयं पढ़ के वो संस्कार नहीं करेंगे, वेद मंत्र का पाठ ब्राह्मण आदि अन्य करेंगे और उनको संस्कार होता है स्मृति के द्वारा, स्मृति विहित स्मृति के अनुसार संस्कार होता है।
तो कितने बढ़िया विस्तार से उन्होंने सब कुछ किया है। अब मैं सुनाऊंगा आपको, पूरा हमने तैयार रखा है कि क्या क्या वो उसमें से जितना बताया है उसमें से 10% भी कोई अभी करे तो ये सारे मामला सुलझ जाएंगे। वो कोई कराएंगे नहीं, केवल ये मंत्र नहीं करने के लिए जो बोला है उस पर पूरे पकड़े हुए, क्योंकि उनको राजनीति करना है, बाकी उनको अच्छा सिखाना है करना है ऐसा नहीं है, सारी बातें उसमें मिले हुए हैं। अब ये देखिए जो मनु के वजन में ये कहा गया है, न सूद्रे पादगम किंचित न संस्कार मध्यदि कहा, उसके आगे ही उनका वचन है, धर्मे सवस्तु धर्मज्ञा सदा वृत्तम अनुष्ठिता मंद्रवर्जम न दुष्यंती प्रशंसा प्राप्नुवन्ति च। ये पूर्ण श्लोक है, श्लोक को पूरा लिखा, जो मंद्रवर्जम न दुष्यंती में कह रहे हैं कि धर्मे सवस्तु धर्मज्ञा सदा वृत्तम अनुष्ठिता, वहां चतुर्थ वर्ण के लिए जो नियम है आचरण है उसके बारे में विचार है प्रसंग में, धर्मे सवा ऐसे चतुर्थ वर्ण के जो है वो धर्म चाहता, धर्म प्राप्त करना चाहता, यानी जो भी पुण्य है वो प्राप्त, धर्म माने पुण्य है, अच्छे कर्म करना चाहता है, सज्जन बनना चाहता है, ऐसे जो धर्म को चाहने वाले पुण्य को चाहने वाले जो चतुर्थ वर्ण के होंगे धर्मज्ञा, वो धर्म के बारे में जानते हैं कि हमारा ये आचरण है, हमें ऐसा करना चाहिए, इस अवस्था में हमारा ये आचरण है, ऐसे स्पष्ट रूप से जिनको जानकारी है उनको सदा वृत्तम अनुष्ठिता, वो सदवृत्त माने सद प्रवृत्तियों को सद आचरणों को अनुष्ठान करते रहे। अब ऐसा अनुष्ठान करने के लिए कहा तो प्रश्न होगा कि कैसे अनुष्ठान करेंगे, आपने तो मना कर दिया, वो पढ़ना नहीं बोल दिया, तो बोलते हैं मंत्रवर्जम न दुष्यंती, वो जो मंत्र पढ़ने के लिए कहा वो मंत्र उच्चारण करके वो संस्कार नहीं करना, क्योंकि मंत्र पढ़ना आपको सिखाया नहीं, आता नहीं है, अब आता नहीं है तो पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, गलत होना वेद मंत्र का गलत उच्चारण करना अच्छा नहीं है, तो पाप है, गलत है, इसीलिए उसका उच्चारण नहीं करना। अब जो भी समझ लो यहां ये भी ध्यान रखो कि कोई ब्राह्मण व्यक्ति है समझ, उन्होंने वेद पढ़ा नहीं, अब ऐसे इधर भी बहुत मिलते हैं, उनको उनके पास आप कोई वेद का मंत्र पुस्तक निकाल के दे पढ़ने के लिए कहो, वो नहीं पढ़ते, गलत सलत पढ़ता है, उच्चारण नहीं करता, सब गड़बड़ करता, तो अब क्या है वो भी उस मंत्र से प्रयोग करने योग्य नहीं है, वो मंत्र आता ही नहीं है उनको। अब मंत्र आपको पढ़ाया नहीं है, मंत्र जब आता नहीं है तो ब्राह्मण भी हो तो उससे वो कर्म नहीं कर सकता है, ये तो सामान्य बात है, सामान्य बुद्धि से आप एक कॉमन सेंस में सोचने से आपको समझ में आता है, इसलिए वो भी दुखी होकर के बोलता है अरे हमने पढ़ा नहीं है, हमको आता नहीं है, हम कैसे करेंगे, तब वो आता जो जिसको आता है उसको बुलाता है कराने के लिए, ऐसे तो होता है बड़े बड़े घरानों में आप जाकर देख रहे हैं आजकल स्थिति, और बहुत कुछ जानना पड़ता है, तो वो नहीं जानता है इतने मात्र से उनका कोई निषेध नहीं है, नहीं जानता है वेद ने नहीं कहने के लिए कहा तो नहीं जानता है वो बात अलग है, लेकिन कर्म नहीं करने के लिए नहीं कहा, तो मंत्र वर्ज्य कर्म कर सकता है, तो मंत्र किसके द्वारा पढ़ाना ये भी बताया वहां, मंत्र वर्ज्यम न दुष्यंती, और करना है प्रशंसा प्राप्नुवन्ति च, और लोग उनकी स्तुति करेंगे, देखो इतना होता हुआ वो सज्जन है कितना सब कुछ करता है, ऐसे करके लोगों की प्रशंसा प्राप्त होगी और लोगों में उनको सम्मान मिलेगा, ऐसा कहा, यह है मंत्र वर्ज्य संस्कार का विधान किया गया, ठीक है। और ये मंत्र के विषय में आगे जब कहते हैं कि ये जो जहां स्वाहाकार करना होता है, अन्य अन्य मंत्र पढ़ना होता है और विशेष मंत्र विधान करना है, तो वहां वो मंत्रवेत्ता जो ब्राह्मण आदि जो भी होंगे उनको बुला करके उन्हीं से कराए, अब स्वयं उनको जो मंत्र बोलना है उसके लिए भी विधान, वो मंत्र कैसा होगा, उस स्मृति से संबंधित मंत्र होगा, स्मृति से कहा हुआ होगा, जैसा हमने पहले बताया वो नमः शिवाय आदि जो भी पुराण आदि इतिहास आदि में आए वो मंत्र होंगे, ऐसे बहुत कुछ है कौन से शास्त्र का अनुसरण करना चाहिए ये सब आपको हमें बताऊंगा कल। अब वहां याज्ञवल्क्य के स्मृति में विशेष रूप से ये कहा कि नमस्कारेण मंत्रेण पंच यज्ञान्न हापयेत्, याज्ञवल्क्य के स्मृति कहते हैं, याज्ञवल्क्य के स्मृति आचार अध्याय है, पहले अध्याय
पहले अध्याय में 121वां श्लोक है, इसमें कहा कि जहां स्वाहा स्वधा आदि जो वैदिक नियम के अनुसार मंत्र लगते हैं, उधर जो मंत्र आपको इतिहास पुराण में जहां भी जहां आपको विधान है वहां मिलता है, तो आप यदि स्वयं पढ़ना चाहते हैं उसको, स्वयं बोलना चाहते हैं, तो नमस्कारेण मंत्रेण वहां नमः जोड़ देना चाहिए। नमः जोड़ करके आप कर सकते हैं। किसको करना है? पंच महायज्ञ न हापयेत का, ये आपको किसी ने सुना, कोई नहीं सुनाएगा, और उल्टा सब उल्टा बोलता है, ये नहीं करना है बोला। ये स्मृति बोल रहे हैं न हावये, पंच महायज्ञों को करने का अधिकार चारों वर्ण का, और उसके द्वारा वो वैदिक बने हुए हैं। पंच अभी आगे हम और कहेंगे इसके बारे में, मनुस्मृति में ही जो वाक्य कहा उसमें जो कुल्लू का भट्ट का जो भाष्य है उसमें जो कहा, तो ये जो विधान किया है विधानों के बारे में कोई चर्चा नहीं करता वो, क्योंकि उनको तो लड़ाई करानी है, लड़ाई करेंगे ये तो आप करो, अब जितना विधान आप बोला वो विधान को मेरे करने से कोई समस्या होने वाली नहीं, और समस्या थी नहीं। ये जो जब तक ये मुगल राज्य लोग जब शुरू किया उसके बाद मुसलमान के ये जो चला, और बाद में जो ब्रिटिश वाले आए, ये सब आकर के उन्होंने देखा कि इनके बीच में फूट डालने का हमारा क्या क्या हो सकता है, उन्होंने एक लिस्ट बनाया। आप उनके इतिहास पढ़ करके देखिए, इतना सारा सुनाने के मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत वाक्य में बोल सकता हूँ। ये लोगों के इतिहास में अपने आप लिखा है कि ये फूट डाले बिना हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, और फूट डालने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि ये सबसे मूल जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे महत्व किसको देता है, वेद को देता है, सब लोग देते थे, अब उसी में करा दे, तो तुमको वहां ऐसा कहा है वहां ऐसा कहा है। आजकल भी राजनीति में क्या करते हैं, राजनीति करने के लिए लोग इसी को अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बाहर से तो बोलते हैं हम कुछ जाति पाति नहीं मानते हैं, हमारा कोई विवेक नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, सब बोलते हैं, लेकिन जब वोट डाल मांगना होता है तो उस समय ये सारे नीति अभी भी वही चला, और कभी भी ये नहीं कहते हैं कि ऐसे ऐसे जगह पे ऐसे ऐसे कर्म करने के लिए आपको कहा गया, ये कभी भी उसका उद्धरण कहीं नहीं कहेंगे। अब क्या है इसका फायदा, पहले तो मुगलों को तो अपने हिसाब से उनको मिला, बहुत सारे धर्मांतरण उन्होंने कर दिए, धर्मांतरण करने के लिए सबसे बड़ा वो मौका मिला, और उसके बाद जब ब्रिटिश वाले आ गए तो ब्रिटिश वालों को भी धर्मांतरण करना था, क्रिश्चियनिटी फैलाना था, उन्होंने अपने वाक्य लिखा है वो इसके लिए हमें ये करना चाहिए करके अपने आप कहते, वो मैक्स मुलर आदि जो भी लिखा है ना, ये सब ऐसे ही बनाए कि कैसे हमको फूट डाल। अभी भाषा के आधार पर अभी जो चल रहा है, आर्य और द्रविड़ को विभाजन किया, कितने कितने सब कुछ किया, इसके पहले वेद में शास्त्र में कहीं भी आर्य द्रविड़ का विभाजन का कोई वाक्य नहीं मिलता, कोई उस पर मतलब विचार ही नहीं मिलता, वो था ही नहीं ऐसा, इन्होंने ये प्रकट कराया और उसको करा करके उसके राजनीति किए, ये किए और बिगाड़ते रहे। अब ऐसी स्थिति आ गया कि कोई ये नहीं कहेंगे तो वो गलत आदमी हो जाए, आपको ये कहना पड़ेगा कि ऐसा है, उन्होंने अलग किया था, ये अलग है, तुमको ये नहीं है, उनको नहीं है, ऐसा करके उसी को कहना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले के आप हिस्ट्री निकाल के देखिए, कहीं भी ऐसा नहीं मिलता, भेदभाव से उन्होंने कुछ किया हो ऐसा नहीं मिलता। राज धर्म के अनुसार राजा का नियम पालन कर रहा, राजा क्या कहता है, जो भी उनको मिला है शास्त्र के अनुसार जो नियम मिला है वो नियम का पालन कराता है। जैसे हमारे पास अभी संविधान बना हुआ है, संविधान का अनुपालन करना सरकार आदि का काम होता है, ऐसे करते हैं, इसी प्रकार उन्होंने किया है, इसीलिए किसी पर कोई आपत्ति का कोई बात नहीं है। ये इस हिसाब से यदि देखा जाए तो इसीलिए पंच महायज्ञ और भी बहुत सारे कर्म है मैं बताऊंगा आपको, तो ये पंच महायज्ञ भी करने के लिए कहा तो कैसे करेंगे, जो पंच महायज्ञ में आप जानते हैं देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ और भूतयज्ञ और अधिभूजन मनुष्य यज्ञ, ये पांच महायज्ञ होते हैं। तो पांच महायज्ञ सभी गृहस्थों का कर्तव्य होता है। अब उसके लिए जो मंत्र पढ़ना होगा उसके लिए विशेष विधान है, और ये भी समझ लीजिए जितने कुछ बातें मूल वेद में लिखा
वो कर्म से संबंधित हो या संस्कार से संबंधित हो या विद्या से ब्रह्म विद्या से संबंधित हो, जितनी बातें वेद में लिखा है वो पूरे पूरे आपको इतिहास पुराण में मिलेगा। उतना ही नहीं, उसका देश काल अवस्था के अनुसार विस्तार भी मिलेगा, बहुत विस्तार मिलता। और उन विस्तारों के बिना अभी जो वैदिक कर्म करते हैं, कर्मकांडी है, उन विस्तारों को देख के समझे बिना वो लोग भी नहीं कर सकते, उनको भी ये देखना पड़ता है। तो आप आपके आपसे अलग क्या किया? एक आपने एक ग्रंथ को सुना होगा, अनुभूति प्रकाश नाम का एक ग्रंथ लिखा विद्यारण्य मुनि जी ने, अनुभूति प्रकाश नाम के ग्रंथ लिखा। विद्यारण्य मुनि जी 13वीं सदी के मानते हैं, विद्यारण्य मुनि जी हमारे वेदांत के तो बहुत बड़े आचार्य हैं। तो ये अनुभूति प्रकाश आप देखिए, अनुभूति प्रकाश में क्या लिखा है कि सारे उपनिषदों का, जितने हमारे देशोपनिषद है 11-12 उपनिषद का, उपनिषदों का पूरे भाष्य के अनुसार जो सार है वो निकाल करके छोटा सा ग्रंथ लिखा। अभी भी श्रृंगेरी आदि मठ में सार्वजनिक रूप से उसी को पढ़ाया जाता, क्योंकि वो तो स्मृति में आ गया, उन्होंने उसका सार लिखा है तो तत्व तो वही है, कितने सुंदर लिखा है, तो वो आप पढ़ो तो आपको तत्वज्ञान हो जाए। तत्वज्ञान होने से आगे तो कोई आपके जान पाते है नहीं। देखिए बिल्कुल ये लोग कितने सब कुछ गहराई से स्टडी करके प्लान करके ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, और दुष्प्रचार करके ऐसे आपस में लड़ा रहे हैं। लड़ाने से क्या उनका काम चलता है, बस यही। इसीलिए ये पंच महायज्ञों को करने के लिए ये कहा गया है, ये अभ्यनिज्ञा है, अभ्यनिज्ञा में ये करने के लिए कहा, नहीं करने के लिए कहा, ये करने के लिए कहा। अयम च अमंत्रक संस्कार अंगीकारो ज्यादा कर्मादि विधि निमित्त संस्कार विषय एवा। देखिए ये जो अमंत्रक संस्कार जो स्वीकार किया है, हाँ मंत्रवर्जम न दुष्यति ये जो कहा, ये ज्यादा कर्मादि विधि निमित्त, ज्यादा कर्मादि जो विधि को लेकर के जो संस्कार होते हैं, मैंने 16 संस्कारों में ज्यादा कर्मादि जो संस्कार है, अभी मैंने जैसा कहा कि 10 या 12 संस्कार दो पक्ष में, एक पक्ष में 10 संस्कार करने के लिए बोलते हैं, एक पक्ष में 12 संस्कार करने के लिए बोलते हैं, उन संस्कारों को करना है, ये उपनयन आदि संस्कार छोड़ करके बाकी संस्कार। तो उसके लिए कहा कि ये शार्ंगर स्मृति में वाक्य आया, द्विजानाम षोडशैव स्युः शूद्राणाम द्वादशैव हि, शूद्रो वर्णश्चतुर्थोऽपि वर्णत्वाद्धर्ममर्हति, वेद मंत्रम स्वधा स्वाहा वषटकारादिभिर्विना। एक स्पष्ट बोलता है ये व्यास स्मृति है कि चतुर्थ वर्ण के लिए 12 संस्कार, ज्यादा संस्कार आदि गर्भ संस्कार के लिए 12 संस्कार कहा गया शार्ंगर स्मृति में। और ये नहीं आरोप करना है कि वेद में उपनयन नहीं हुआ इतने मात्र से, शूद्रो वर्ण चतुर्थो भी, चतुर्थ वर्ण जो है उनको भी वर्णित्वा धर्म वर्ग है, ये बोल, ये भी वर्ण है। वर्ण किसके लिए, वर्ण किसके लिए जानने के लिए हमने सबसे पहले आपको बृहदारण्यकोपनिषद को सुनाया। बृहदारण्यकोपनिषद में प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में 10वें मंत्र में पूरा आपको सुनाया था क्यों वर्ण बनाया गया। वर्ण कर्मार्थम ब्रह्मणा सृष्टा कर्मार्थम, कर्म को निष्पन्न करने के लिए वर्ण बनाया गया। वो बताया पहले एक वर्ण था, वो कर्म करने गए तो नहीं हुआ तो दूसरे वर्ण को सृजन किया, तो वो दोनों मिलकर के भी पूरा कर्म को संपन्न नहीं कर पाए तो तीसरे वर्ण के सृजन हुआ, फिर चतुर्थ वर्ण का सृजन हुआ, जब चारों मिलकर के तैयार हुए तब जाकर के कर्म संपन्न हुआ। कर्म माने वेद विहित जितने भी हैं, वो सामाजिक व्यवस्था और सारे कुछ। तो ये क्या है, ये चार वर्ण मिलकर के वेद में विहित जितने भी धर्म है उनको मिलकर के एक समाज में रहकर, जैसे देश विशेष में रह करके करने पर, आचरण करने पर चारों का पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ चारों के लिए हो जाता है। ये मिलजुल करके करने की बात है ना, जो सबका साथ लेकर के सबका पुरुषार्थ सिद्ध होगा, ये सिद्धांत है वहां। और नहीं तो इसका मतलब ही नहीं, अलग अलग आप करेंगे, वो कुछ कर रहा है उसकी सहायता इसको चाहिए,
अब जो वेद पढ़ने के लिए बैठेगा ब्राह्मण, वेद याद करने के लिए, ऋग्वेद आदि पढ़ने के लिए बोला, वो खेती करने जा सकता है क्या? खेत में सुबह सुबह जाकर कितने का सब काम करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, वेद पढ़ेगा कि खेती करेगा? इसीलिए कहा गया भाई तुम तो वेद पढ़ते रहो, तुम्हारे लिए जो भिक्षा है हम तैयार करते हैं। तो ये आपस में संबंध था, और उनके लिए कर्म करने के लिए, वो कर्म करने के लिए सारी जानकारी चाहिए। वेद में एक शाखा के एक पुस्तक भी आप जीवन भर पढ़ के तैयार करके देखना कि कितनी कठिनाई होती है तैयार करने की। देखो बोलने के लिए आसान है, बहुत कठिनाई होती है। और उसका कर्म संबंधी ज्ञान के लिए मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन पढ़ना ही लोग छोड़ दिया, क्यों? इतना बड़ा लंबा है, कोई नहीं पढ़ता। तो ये सारे निश्चय होने के बाद में कोई कर्म कर सकता है, तो वो दूसरे काम में जाएगा तो वो संभव नहीं है। वो ये काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा, व्यवस्था है, आप वो करो और आपकी मदद हम करते हैं, और हम ये करेंगे आप हमारी मदद करो। इस प्रकार से आपस में संबंध था। तो ऐसा संबंध करके चार पुरुषार्थ की प्राप्ति चारों को मिला करके सिद्ध किया, यही तो कर्मार्थ कहा गया, इसीलिए यह वर्ण बनाया गया। तो ये कह रहे वाक्य में कि वर्णत्वा धर्म अर्हति, वर्ण होने के कारण उनको भी धर्म का आचरण करने का अधिकार है। तो क्या करेंगे? बोला, बोले वेद मंत्रम स्वथा स्वाहा वशत्काराधिभिर विना, वेद मंत्रों का जो भी उच्चारण करेगा स्मृति के अनुसार उनको करना पड़ेगा, क्योंकि वेद मंत्रों के सुर के साथ उनका उच्चारण नहीं होता है। तो नहीं होने से, और स्वधा स्वाहा मंत्र को छोड़कर, ये तो वेद के लिए है, उसको छोड़ करके नमस्कार आदि से करना चाहिए। वो याद होगी स्मृति में स्पष्ट कहा। हाँ, ये अब क्या है, वो पढ़ाने के लिए कौन आएगा? बोलते हैं विप्रो मंत्रेण गृह्यते शूद्रस्य अमंत्रत्वात्। तो जहां मंत्र पढ़ा के करना पड़ेगा तो आप एक विप्र को बुला दो। विप्रो मंत्रेण गृह्यते, ये पारस्कार गृह्य सूत्र में है, गदाधर भाष्य है, 2-1 में कहा गया, पहले जो कुछ कहा ये व्यास स्मृति का। तो विप्रो मंत्रेण गृह्य देखा, मंत्र पढ़ने के लिए जो पढ़ा हुआ है उसको बुला दो। आजकल भी तो ऐसे करते हैं ना, आपको कोर्ट में जाके वकालत करना है, वकालत करना है, आप जाके वकालत करेंगे क्या? नहीं करेगा। आप करेंगे तो सब उलट पलट हो जाएगा, तो आपको वकील के पास जाना पड़ेगा। वकील वो पढ़ करके तैयार करके बैठा हुआ है, वो अपने अपने ढंग से उसको करके आपको पास करके दे देगा, यही तो होता है। इसी प्रकार ये तो पढ़ा नहीं है, जो पढ़ा नहीं है तो उनको बुला करके उसके लिए जो कर्म कराने के लिए कहा है, और वहां भी स्पष्ट रूप से नियम है किस प्रकार जाना चाहिए। और ये भी कहा कि ऐसा कोई आकर के आपको बुलाता है मना भी नहीं कर सकता, आपको जाने करने का अधिकार है। अब वो ऐसा कोई आकर के विद्या मांग रहा है, आपने उपनिषद आदि में देखा होगा कि विद्या मांगता है, अब नहीं दे पाया तो ये बड़ा दुख मानते हैं। कोई आके मेरे पास से कुछ पूछा जो मेरे कर्तव्य के अंतर्गत है, कर्तव्य के दायरे में है, तो वो पूछने से नहीं दिया तो दुखी होता। ये एक कथा यहां आती है उपनिषद में। तो ऐसा कोई पूछा आपके कर्तव्य के लिए, कुछ कोई किसी ने पूछा तो आपको जाके उसको कराना पड़ेगा, इसलिए वो उनको दे दिया है, उनकी ड्यूटी है, वो करेंगे, और जिनका वो काम वो करेंगे। इस प्रकार से मिला करके करने के इस विषय में कह रहे हैं, इस विषय में ज्यादा कर्मादि। अभी एक आप थोड़ा सा सोचिए, 2 मिनट के लिए आप ऐसा सोचिए कि ये जो जितना संस्कार बताया गया, अब इसमें से कोई भी संस्कार करने के लिए कोई अभी प्रेरणा देता है, कराता है, या अभी कोई जानता है क्या? जानता ही नहीं है कि चतुर्थ वर्ण के लिए इन इन कामों को करना चाहिए, पंचायत वहां करना चाहिए। मैं कई लोगों को जब कहा मैंने कोई सभा में कहने सत्संग में, उनको समझ में नहीं आता कि हम कैसे करेंगे, ऐसे सोचता। यहां तक कोई कोई यहां तक कह दिया आप रामायण महाभारत भी नहीं पढ़ सकते, डरा के रखा, कितने अनर्थ है देखिए। वो क्यों है? क्योंकि उनके दिमाग में बिठाया कि आप इनको अलग करो, अलग करने से वो तो मन इतने साल से सुनते आ रहे हैं, ऐसा सुन सुना कर इसका कोई प्रमाण नहीं। जैसा अभी हमने कहा आर्य द्राविड का ये जो विभाजन का, कहीं भी कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं मिलता कि ऐसा कोई विभाजन था, ऐसा कुछ कुछ नहीं मिलता। जबकि आप महाभारत में देखेंगे, जब राजसूय चलता, राजसूय के विषय में कहीं नोट करके रखा हूं, राजसूय के समय में किन किन को बुलाया गया, आमंत्रण दिए,
उनमें सबका आता है, भारत के चारों दिशाओं से सभी को बुलाया गया, वहां कोई भेदभाव नहीं दिखता। और दूसरी बात देखिए कि जितने बड़े बड़े आचार्य हमारे पास अभी है, हमारे अभी जो शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आदि आदि आचार्य सब कहाँ के, सब देखे थे। और क्या वो आचार्य इधर आने से इधर कोई मना किया क्या? आप वहां से आ गया, द्रविड़ देश से आ गया, हम लोग तो आर्य है, आर्य को हम मानेंगे, द्रविड़ को नहीं मानेंगे, ऐसा कहा जाए? ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा यदि कुछ भी होता तो उस समय इससे ज्यादा दंगा होना चाहिए था। तो उस समय राजा थे, राजा मना करता, हमारे देश में प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसी कथा मिलती है क्या? तो ये कहां से आ गया, क्यों ये लाए और ये क्यों इसको करिए, ये आप सोचना चाहिए। ये समझाएंगे नहीं, अब आप सामान्य बुद्धि से सोचने पर आपको समझ में आएगा कि ऐसा है। यहां से महर्षि क्या अगस्त्य महर्षि उधर गए दक्षिण में, और दक्षिण का तो अगस्त्य महर्षि में तो उनका तो बहुत बड़ा स्थान है और सब कुछ तो अगस्त्य महर्षि से बना हुआ है, वहां का वहां की भाषा, व्याकरण और क्या आयुर्वेद वेद सारे उनके ही है, मंत्र सब। तो वो गए कहां, हिमालय से गए। तो वो ऐसा यदि सोचते तो आज भी कोई बोल सकता है क्या, ओ वहां से आए हैं हम यहाँ? तो मतलब ये ऐसा ही मैं कह रहा हूं कि इसको अज्ञान में रख करके आप इसमें छुओ नहीं, देखो नहीं, उसको पढ़ो नहीं, ऐसा बोल करके हमारी बात सुनो, सुना करके करते रहो, इसीलिए कोई जानता नहीं इसको। और इसको और कहने की आवश्यकता इसलिए है कि क्योंकि हमको ये प्रकरण में प्रसंग से आया है और बहुत अच्छी बातें हैं इसमें, इस प्रकरण को ठीक से समझना है कि क्या तात्पर्य है इस प्रकरण का, इसलिए हम इसी पर सारे राजनीति ये जो भी कुछ है वो लहा रहे हैं। इसलिए और सबको ये लगता है, कई लोग इसलिए इसको प्रक्षिप्त मानते हैं क्योंकि ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म के विचार में ये कहां से आ गए, ऐसे सोचते हैं। है तो भाष्यकार ने स्वयं कहा प्रासंगिक है, प्रासंगिक का मतलब ये कर्म के विषय में निश्चय है, यहां कोई ब्रह्म का चिंतन है ही नहीं। अब वो उसका जब निश्चय है तो उसके अनुसार आपको विचार करना पड़ेगा, नियम के अनुसार जाना पड़ेगा। तो ये टिप्पणी है, टिप्पणी समाप्त हो गया या हो गया। शूद्रश्च चतुर्थो वर्ण एक जाति इति द्वितीय जन्म प्रयोजक संस्कार निषेधादिति। यहां दो बातें बताई साथ में, एक तो न शूद्रे पादकम किंचित कहा, अब ये पादक की बात अब कर रहे थे। पादक बने कोई भी पाप होता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जिन जिनको निषेध किया गया है उन आचरणों को करने से पादक सबको होता, पाप होगा। लेकिन जो अन्य वर्ण के लिए कहे गए हैं, जैसे अभक्ष्य भक्षण का, अभक्ष्य भक्षण का कोई नियम उनको नहीं, वो लहसुन प्याज आदि सब खाते। अब खाना चाहते तो खा सकता है, नहीं खाना चाहते हो नहीं खा सकता, मांस खाना चाहते हो तो खा सकता है, नहीं खाना है तो नहीं खा सकता। इसीलिए कहा है ना, जो धर्मेव सहा धर्मज्ञा सदाम वृत्तम अनुष्ठिता का, ऐसा यदि आप चाहते हैं तो आप छोड़ दो, ऐसा नियम नहीं है, कोई कहना चाहिए। अब नहीं भी किया तो भी आपको कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन वही चीज लहसुन प्याज यदि ब्राह्मण खाएगा तो उसको पाप लगेगा, ये अंदर है। इस प्रकार पादक नहीं है बोलता, इस प्रकार का जो अभक्ष्य भक्षणादि पादक नहीं है, कोई भी पादक नहीं होगा तो फिर वो तो वेद से संबंधित ही नहीं रहे, ऐसा नहीं है जो कहा और उसका बताएंगे क्या क्या है नहीं। इसीलिए द्वितीय प्रयोजक जन्म संस्कार निषेधादि इत्यादि कहा, आगे फिर देखिए। ओम।